सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को रिलायंस जियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रिलायंस जियो के समर सरप्राइज ऑफर में रिचार्ज करवाए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल का कैसे वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे वो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को टोटल 4 महीना मिलने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि जियो समर सरप्राइज ऑफर में रिचार्ज किए थे, ना कि जो जियो दंदनादन ऑफर में रिचार्ज किए थे। ये ऑफर उन लोगों के लिए जो कि रिलायंस जियो समर सरप्राइज ऑफर में रिचार्ज किए थे, और जियो दंदनादन वालों का तो 84 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आप माई जियो ऐप में जाइए और वहाँ पर माई जियो ऐप को ओपन कर दीजिएगा। अगर आपने माई जियो फाइल अगर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप अपने माई जियो ऐप को ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको 3 लाइन्स में जाके यहाँ पर आपको माई प्लान्स में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माई जियो ऐप को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दिखाएगा रिचार्ज बैलेंस, तो वहाँ सब आप देख के यहाँ पर आपको 3 डॉट आएगा, तो 3 डॉट में आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप माई प्लान्स में क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप माई प्लान्स में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको वैलिडिटी दिखाया जाएगा। जैसे कि आप मेरा समर सरप्राइज ऑफर है, ये वीडियो सिर्फ समर सरप्राइज ऑफर वालों के लिए है जिसका जिन्होंने समर सरप्राइज ऑफर में रिचार्ज करवाया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ कॉर्नर में वहाँ 3 डॉट है, तो वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से आ जाएगा माई प्लान्स में। तो माई प्लान्स में जाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं मेरा जो वैलिडिटी दिखा रहा है वो है 21 जुलाई 2017 11:45। तो मेरा जो वैलिडिटी है वो 21 जुलाई को 11:15 मेरा जियो समर सरप्राइज ऑफर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, मेरा जो समर सरप्राइज ऑफर है वो 21 जुलाई को 11:45 में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मेरा जो ऑफ़र है वो 21 जुलाई को 11:45 में मेरा जियो समर सरप्राइज ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक, मतलब 21 जुलाई तक हमारा समर सरप्राइज ऑफर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 21 जुलाई से लेकर हमें 21 अगस्त तक हमें और 1 महीना फ्री मिलने वाला है, जो कि हमने रिचार्ज करवाया था जियो के 303 रुपीज़ वाले प्लान में, या फिर आपने 409 या फिर 509 वाला किराया होगा तो वो आप में, तो उसमें आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता था कि रिलायंस जियो ने पहले बताया था कि जो 3 महीना आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी उसके बाद आपको वो प्लान लागू होगा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि जियो समर सरप्राइज ऑफर में रिचार्ज किए थे। अगर आपने जियो दंदनादन ऑफर में करवाया था तो उसके बाद वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था 48 GB 48 डेज के लिए, मतलब वो प्लान आप कभी रिचार्ज करवाए थे तो उस दिन से आपका 84 दिन के लिए 84 GB डेटा दिया जाएगा पूरे 84 दिन के लिए। तो उसके लिए कोई स्पेशल देखने की जरूरत नहीं है, आप 84 दिन गिन के देख लीजिए, आपका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपका जियो समर सरप्राइज ऑफर ख़त्म हो गया है 21 अगस्त के बाद, तो आप जियो दंदनादन ऑफर में रिचार्ज करवा सकते हैं जो कि है 399 वाला मेन प्लान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर